लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। महाराष्ट्र के कोकण और पश्चिम इलाके में मूसलाधार बारिश और बाढ़ से तबाही का आलम है। लोगों के लिए खाने का राशन तक नहीं बचा, ऐसी मुसीबत में मदद का हाथ बढ़ाते हुए नई मुंबई यूथ कांग्रेस की ओर से आज 12 ट्रक राशन और सहायता सामग्री भेजी गई। यूथ कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष सत्यजीत तांबे ने वासी हाईवे से इन ट्रकों को झंडा दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव बीएम संदीप, प्रदेश सचिव संतोष शेट्टी और जिलाध्यक्ष अनिल कौशिक, यूथ कांग्रेस के जिलाध्यक्ष सुबिन थॉमस समेत तमाम पदाधिकारी मौजूद थे। देखिए रिपोर्ट। मूसलाधार बारिश ने महाराष्ट्र के कई इलाकों में बाढ़ की मुसीबत पैदा कर दी है। सबसे ज़्यादा असर पश्चिमी महाराष्ट्र और कोकण इलाकों में हुआ है, जहां बाढ़ से संपर्क कट गया है और जीवन आवश्यक वस्तुओं की भी किल्लत हो गई है। आज इस मुसीबत में नई मुंबई यूथ कांग्रेस ने मदद का हाथ बढ़ाते हुए 12 ट्रकों में राशन सामग्री भेजने का काम किया। यूथ कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष सत्यजीत तांबे ने नई मुंबई के वासी हाईवे से राहत सामग्री भरे इन ट्रकों को रवाना किया। इस अवसर पर राष्ट्रीय सचिव बीएम संदीप, प्रदेश सचिव संतोष शेट्टी और जिलाध्यक्ष अनिल कौशिक, यूथ कांग्रेस के जिलाध्यक्ष सुबिन थॉमस, यूथ कांग्रेस के प्रवक्ता आनंद सिंह बंटी समेत युवक कांग्रेस के तमाम पदाधिकारी भी मौजूद थे। इस अवसर पर सत्यजीत तांबे ने कहा कि यूथ कांग्रेस बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए प्रतिबद्ध है और पूरे राज्य भर से सहायता इकट्ठा कर कार्यकर्ताओं के जरिए गांव-गांव तक पहुंचाने में जुटी है। उन्होंने कहा कि यूथ कांग्रेस जनता के साथ है और जहां भी जरूरत होगी वहां जाकर मदद करेगी। महाराष्ट्र प्रदेश युवक कांग्रेस वतीने कोकणामध्ये जे पूरग्रस्त गाव आहे या गावातल्या लोकांना मदतीसाठी संपूर्ण ठाणे, पालघर, वसई विरार, भिवंडी, कल्याण डोंबिवली आणि नवी मुंबईचे प्रामुख्याने या सगळ्या पदाधिकाऱ्यांनी गोळा केलेलं सगळं साधन सामग्री आज इथून कोकणामध्ये पाठवण्यात आलेली आहे। एक फार मोठं संकट आपल्या महाराष्ट्रावर या अवकाळी पावसामुळे आणि पुराच्या परिस्थितीमुळे निर्माण झालेलं आहे। या संकटामध्ये काँग्रेस पक्ष राहुलजींच्या नेतृत्वाखाली नाना पटोलेजी, बाळासाहेब थोरात, एच के पाटील साहेब या सगळ्यांच्या नेतृत्वाखाली आज आम्ही लोकांसोबत आहे हे दाखवण्याचा हा प्रयत्न आज आम्ही करतोय। लोकांपर्यंत मदत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करतोय। आमचे महाराष्ट्राचे काँग्रेसचे प्रभारी बी एम संदीप साहेब यांच्या हस्ते आज ही साधन सामग्री आता कोकणामध्ये पाठवण्यात आलेली आहे। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव बी एम संदीप ने कहा कि आज राज्य के 200 गांव बाढ़ पीड़ित हैं, उन्हें सहायता देने की जरूरत है। यूथ कांग्रेस सत्यजीत तांबे के नेतृत्व में जिस तरह मदद अभियान चला रही है वह काबिले तारीफ है। बी एम संदीप ने राज्य सरकार के प्रयासों की भी सराहना की। आइए सुनाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। महाराष्ट्र प्रदेश युवा कांग्रेस ने पूरा प्रदेश में दो जगह से, एक पुणे से, एक नवी मुंबई से, पुणे से किधर किधर वेस्टर्न महाराष्ट्र में फ्लड में अफेक्टेड विलेजेस को और कोंकण डिवीजन में किधर किधर फ्लड में अफेक्टेड विलेजेस के लिए आज नवी मुंबई से अनाज और यूटेंसिल्स और वार्म क्लोथ्स और कपड़ा सब कुछ इधर से आज भेज रहे हैं। कुछ मेडिसिन भी इधर से वो लोगों को भेज रहे हैं। सारी युवा कांग्रेस का टीम को और इधर का जिला अध्यक्ष अनिल कौशिक जी और उसका टीम को ये लोगों को सपोर्ट करने के लिए और पूरा किधर किधर नुकसान हुआ है लोग इधर परेशान में हैं वो लोगों को हमेशा कांग्रेस पार्टी से मदद पहले ही कर रहे, अभी भी करते, आने वाले समय भी
कांग्रेस पार्टी का युवा कांग्रेस और सीनियर कांग्रेस हमेशा करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया।